मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द इमेज। तुम अगर ये खड़े हो, ये तुम हो एच हाइट, और तुम अपनी पूरी शक्ल मिरर में देखना चाहते हो, तो मिनिमम हाइट मिरर की क्या हो, तुम्हें अपनी पूरी फोटो दिख जाए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए काम करना है, ये मान लो हेड है, हेड से रे आएगी आपकी आंखों में जाएगी, हेड एक ऑब्जेक्ट, तुम इसको देखना चाहते हो, फिर तुम इसको भी देखना चाहते हो, एरो गलत है, एरो ऐसा बनेगा, तो ये एरो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा और आंखों ऑब्जर्वर में जाएगा, तो आप पूरा देख पाएंगे, मतलब ये यहाँ पे हिट करे और ये यहाँ पे हिट करे, तो आपको पूरी इमेज दिखेगी। कहाँ दिखेगी, तुम इसे ज्वाइन कर लो, तुम इसे ज्वाइन कर लो, ये तुम्हारी इमेज पूरी की पूरी एच नज़र आएगी। तो वो क्वेश्चन में ये पूछेगा ये वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाई कितने है, तो तुम इसमें काम करना, एक ट्राइंगल ये ले लेना, एक ट्राइंगल ये ले लेना, तो बड़ी हाइट एच और मिरर की हाइट वाई, टोटल डिस्टेंस अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि प्लेन मिरर जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, और छोटे ट्राइंगल का ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें एच बाई टू। तो शॉर्टकट याद करो ना, अगर तुम्हारी हाइट मान लो 2 मीटर की है तो मिरर 1 मीटर का लगाना सामने, तो आप अपने आप को पूरा देख पाएंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस बंदे की हाइट से सीधा रिजल्ट क्या याद करना है, एच बाई टू। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे ये, ठीक।